गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे वी विल स्टार्ट फिफ्थ पार्ट 5.2 पॉइंट टू कंटिन्यू ओके हमने क्या क्या सीखा पहले वट वी हैड लर्न ए एन हमेशा पॉजिटिव होता है निगेटिव नहीं होता फिर आपको थर्टी फर्स्ट टर्म मिला है फाइन थर्टी फर्स्ट टर्म निकालना है दो टर्म मिले हुए हैं एलेवन टर्म का थर्टी एट है सिक्सटीन टर्म का सेवेंटी थ्री है दोनों का लेकर हमें सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है पूरी एक्सरसाइज में यही है फिर एक सम था ए एन में ज़ीरो है देन एक्सीट था फिर एक था वन थर्टी टू एडिंग थी फिर टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम था ये लास्ट सम था हमारा अब हम स्टार्ट करेंगे हाउ मनी थ्री डिजिट नंबर हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय सेवन इज़ एज ब्लो द लिस्ट ऑफ थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय सेवन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो टू वन ज़ीरो थ्री वन ज़ीरो फोर स्टार्ट कहाँ से होगा वन ज़ीरो फाइव से वन सेवन ज़ा सेवन थ्री कैरी सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव ठीक है फिर सेवन सेवन ऐड करते जाएंगे लास्ट हमारा वन थाउजेंड से लास्ट हमारा जो कम आएगा दैट इज़ नाइन नाइन फोर ये हमें खुद निकालना है दीज नंबर्स फ्रॉम अ फाइनाइट ए पी क्यों क्योंकि ये फाइनाइट लास्ट नंबर वी आर हैविंग ए इक्वल्स टू वन ज़ीरो फाइव एंड डी वन वन टल्व माइनस वन ज़ीरो फाइव तो डी इक्वल्स टू सेवन एंड एल इक्वल्स टू नाइन नाइन फोर ओके ए एन इक्वल्स टू नाइन नाइन फोर द लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज इट्स एंथ टर्म एंथ टर्म हमारा क्या है एल इक्वल्स टू एंथ टर्म तो ए एन हमारा क्या है नाइन नाइन फोर ये हमारी आइडेंटिटी आ गई ओके नाइन नाइन फोर इक्वल ए क्या है वन जीरो फाइव एन माइनस वन लिखेंगे ओके okay. और क्या है डी क्या है सेवन मैंने इसको यहाँ कर दिया इसको यहाँ कर दिया डायरेक्ट सेवन एन माइनस वन और नाइन नाइन फोर में से वन जीरो फाइव मैंने माइनस कर दिया एट एट नाइन फिर एन माइनस वन इक्वल एट एट नाइन अपॉन सेवन तो ये कितनी बार कैलकुलेट होता है वन ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी सेवन तो एन इक्वल टू वन ट्वेंटी सेवन प्लस वन तो एन इक्वल्स टू वन ट्वेंटी एट हैंड्स देर आर वन ट्वेंटी टर्म्स इन दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ओके okay, हैंस 128 तो 128 भी क्या हुआ मेरा थ्री डिजिट नंबर आर डिविज़ल डिविजिबल बाय सेवन थैंक यू नाउ फोर्टीन सम फोर्टीन सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर मल्टीपल्स ऑफ फोर मतलब क्या फोर का फोर का टेबल ओके लाई बिटवीन लाई बिटवीन टेन एंड टू फिफ्टी मतलब इलेवन भी नहीं होगा कहाँ से होगा ट्वेल्थ से ट्वेल्व सिक्सटीन ओके लाइक दैट यू कैन राइट ओके सो ओके एंड द लास्ट इज़ टू फोर्टी फोर एंड टू फोर्टी एट ओके ये हमें खुद निकालने हैं क्लियर ए इक्वल ट्वेल्व सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व टू फोर डी इक्वल्स टू टू फोर्टी एट ये हमें खुद निकालना है इफ़ द लास्ट टर्म इज़ एंथ टर्म ऑफ ए पी लेट एल इक्वल ए एन ओके सो ए एन टू फोर्टी एट ए इज ट्वेल्व प्लस एन माइनस वन फोर क्या है डी क्या है फोर टू फोर्टी एट माइनस ट्वेल्व इक्वल फोर एन माइनस वन टू थर्टी सिक्स हो गया टू थर्टी सिक्स को अगेन फोर से डिवाइड करेंगे अब देखो यहाँ बच्चे तुम लोग क्या करते हो मिस्टेक क्या करते हो ये जो माइनस है ये आपने इसको माइनस किया तो आप क्या करते हो टू थर्टी सिक्स को माइनस करते हो नहीं टू थर्टी सिक्स को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये फोर एंड माइनस फोर है क्लियर तो हम इसको क्या करेंगे फोर से डिवाइड करेंगे टू थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर एंड माइनस वन ओके तो क्या आया फाइव फोर जो ट्वेंटी थ्री कैरी नाइन फोर जो थ्री थर्टी थर्टी सिक्स सो एंड फिफ्टी नाइन इक्वल एंड माइनस वन फिफ्टी नाइन है तो ये आ जाएगा प्लस वन इक्वल एंड ओके सो एन इक्वल टू सिक्सटी अब ये जो है आपको नीचे लिखना है ये वाला पोश्चन एन इक्वल टू सिक्सटी दस देर आर सिक्सटी टर्म्स इन ए पी thus there are 60 terms in arithmetic progression 60 multiples of 4 just say hamnakiya 4 16 20 like that that hamlokarthi 2 248 2 248. okay 60 multiples of 4 lies between 10 and 250 children this question is very important okay 15th one for what value of n फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन आर द एंथ टर्म्स ऑफ टू ए पी एस अब देखो वापस से हमें क्या मिला है टू ए पी एस मिले सिक्सटी थ्री सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन ये एक है और थ्री टेन सेवनटीन डैश 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 मतलब ये क्या हो गया इनफाइनाइट नंबर जिसके लास्ट में कोई नंबर नहीं है मतलब वो इनफाइनाइट नंबर अब हमारा क्वेश्चन है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंथ टर्म ऑफ ए पी इक्वल एनथर्म ऑफ सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है अब क्या है यहाँ पे फर्स्ट ए इज सॉरी ए सिक्सटी थ्री डी इक्वल्स टू ए इज सिक्सटी थ्री डी इक्वल टू इक्वल थ्री डी इक्वल सेवन ए इक्वल थ्री डी इक्वल सेवन क्लियर आप देखना ओके, okay? 63 थ्री अब टू को यहाँ लेकर आया टू एन माइनस टू थ्री सेवन एन माइनस सेवन इक्वल बीच में है क्यों ऊपर क्या कहा गया है इक्वल तो दोनों टर्म्स को लेकर टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी टर्म ऑफ सेकेंड ए पी लेना है इक्वल बीच में साइन देनी है क्लियर चिल्ड्रन नाउ हैं सिक्सटी थ्री माइनस टू सिक्सटी वन प्लस टू एन एन माइनस फोर Okay, up here 2n minus 7n equal minus 4. Okay, and here minus 61 minus 5n equal minus 65, n equal 65 upon 5, so n equal 13. Thus for the n equal to 13, the nth term of two given APS are equal. Clear? Thank you.

ए सेवन माइनस ए फाइव इक्वल ट्वेल्व आएगा क्लियर लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन ए पी टी थ्री और ए थ्री इक्वल सिक्सटीन ओके मैंने ए थ्री सॉरी ए प्लस थ्री माइनस वन डी इक्वल सिक्सटीन तो क्या आएगा ए प्लस टू डी इक्वल सिक्सटीन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है सेवन टर्म एक्सीट सेवन टर्म माइनस टी फाइव इक्वल ट्वेल्व सो वी कैन राइट ए सॉरी चिल्ड्रेन हैबिट है टी की फर्स्ट टी हुआ करता था तो ए सेवन माइनस ए फाइव इक्वल ट्वेल्व ओके अब ए सेवेन ए प्लस सेवन एन सेवेन एन माइनस तो सेवन माइनस वन डी माइनस ए एन माइनस तो फाइव माइनस वन डी इक्वल ट्वेल्व क्लियर यहाँ तक क्लियर है देन ए प्लस सिक्स डी माइनस ए अब ये क्या हुआ फोर डी प्लस माइनस माइनस फोर डी इक्वल ट्वेल्व ये साइन राइट एंड साइड पोलिनोमल को इफेक्ट करती है पोलिनोमल चैप्टर में सीख कर आए हैं सो नाउ सिक्स डी माइनस फोर डी तो क्या आ जाएगा टू डी ओके ए कट हो गया ए को ए को कट करो टू डी इक्वल ट्वेल्व सो डी इक्वल टू सिक्स टू ज ट्वेल्व तो हम क्या लगाएंगे डी इक्वल टू सप्टीट्यूट द वैल्यू इन फर्स्ट फर्स्ट क्या था ए प्लस क्या था ए प्लस टू डी इक्वल सिक्सटीन ए प्लस टू डी इक्वल सिक्सटीन ए प्लस टू डी क्या है सिक्स इक्वल सिक्सटीन तो ए इक्वल सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व सो ए इक्वल्स टू फोर हमारा ए इक्वल्स टू क्या निकला फोर तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फोर फोर प्लस सिक्स टेन टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस सिक्स ट्वेंटी एट डैश 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 क्लियर चिल्ड्रेन नाउ चिल्ड्रेन वी will स्टार्ट द 17th क्वेश्चन find द 20th टर्म मतलब ए प्लस नाइनटीन डी करेंगे लेकिन कैसे पहले तो फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ ए पी ओके फ्रॉम दिस वन थ्री थ्री प्लस फाइव एट एट प्लस फाइव थर्टीन और लास्ट क्या है टू फिफ्टी थ्री फॉर द गिवेन फाइन ए पी इज इक्वल टू वी कैन राइट दिस वन एक्वल्स टू थ्री टू फाइव लास्ट टर्म टू फिफ्टी थ्री क्लियर चिल्ड्रेन आगे बढ़ूँ ओके लेट द लास्ट टर्म बी इट्स एनथ टर्म द स्टेटमेंट द कंपल्सरी यू हैव टू राइट एल इक्वल टू ए एन एल इक्वल एल क्या आएगा टू फिफ्टी थ्री ए क्या है थ्री प्लस प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन जब है ट्वेंटी एथ टर्म मिला है तो एन माइनस वन में हम टू फिफ्टी थ्री नहीं लिखते प्लीज चिल्ड्रेन यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं एन माइनस वन डी थ्री प्लस एन माइनस वन डी क्या है फाइव टू फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री माइनस थ्री तो क्या आ जाएगा टू फिफ्टी फाइव को मैंने आगे लेकर आई ओके एन माइनस वन अब इसको फाइव को मैं डिवाइड करूँगी फाइव को मुझे डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव ज़ीरो एन माइनस वन तो क्या आया एन अब वन को मैंने यहाँ लेकर आई

जैसे हम फ्रीक्वेंसी में करते हैं तो एक हमें ऐड करना ही होता है तो क्या आ जाएगा थर्टी टू थर्टी टू टर्म फ्रॉम द बिगनिंग ओके तो थर्टी टू टर्म फ्रॉम द बिगनिंग सो ए थर्टी टू तो क्या आ जाएगा ए प्लस थर्टी वन डी ओके ए थर्टी टू है ए इज़ थ्री एज थ्री आया प्लस थ्री थर्टी वन इंटू फाइव So now 3 plus 1 pi is of 5 pi 3 is of 15 so a 32 equals to 1 pi 8 thus the 20th term from the last term is 158 this one is a very important. मैंने पहले भी कहा कि फ्रॉम द लास्ट टर्म ये है तो लास्ट टर्म जो हमें मिला हुआ है एंड क्या मिला फिफ्टी वन फिफ्टी वन माइनस ट्वेंटी प्लस वन करेंगे तो ही हमें मिलेगा थर्टी टू टर्म क्लियर थर्टी थर्टी प्लस थर्टी वन तो नाउ हमें क्या मिलेगा थर्टी टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्लियर चिल्ड्रेन थैंक यू नाउ चिल्ड्रेन एटींथ साम द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ ए पी एस ट्वेंटी फोर अब हमें दो दो मिले हुए हैं ओके okay? तो फोर है तो ए प्लस थ्री डी एट है तो ए प्लस सेवन डी ठीक है वो कितना है ट्वेंटी फोर द सम ऑफ द सिक्स ए प्लस फाइव डी टेंथ ए प्लस नाइन डी एस फोर्टी फोर इज आया मतलब इक्वल फोर्टी फोर फाइन द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अर्थमैटिक प्रोग्रेशन हमें सीक्वेंस निकालनी है क्लियर फॉर एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आइडेंटिटी क्या है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है आप स्टार्ट करेंगे ये आपने समझ लिया नाउ ए फोर प्लस ए एट इक्वल ट्वेंटी फोर गिवेन उसी तरह ए सिक्स ए टेन फोर्टी फोर गिवेन ओके अब हम करेंगे यहाँ पे ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस सेवन डी इक्वल ट्वेंटी फोर तो टू ए प्लस सेवन प्लस थ्री टेन डी इक्वल ट्वेंटी फोर पूरे को टू से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा ए प्लस फाइव डी इक्वल ट्वेल्व यहाँ पे ए प्लस फाइव डी ए प्लस नाइन डी इक्वल फोर्टी फोर ए प्लस फाइव डी प्लस ए प्लस नाइन डी ए ए टू ए फाइव नाइन प्लस फाइव फोटीन डी इक्वल फोर्टी फोर अब टू से डिवाइड करूँ ए प्लस सेवन डी इक्वल ट्वेंटी टू अब हमें सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है प्लीज रिमेंबर चिल्ड्रेन सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है तो ए प्लस सेवन डी इक्वल ट्वेंटी टू ए प्लस फाइव डी इक्वल ट्वेल्व तो प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ओके तो अब सेवन में से फाइव गया तो क्या आया टू डी और ये क्या आया टेन तो d इक्वल फाइव ओके d इक्वल फाइव अभी हमें क्या निकालना है फर्स्ट अभी d निकला d तो निकला लेकिन हमें a भी निकालना है तो सब्डीट्यूड वैल्यू इन फर्स्ट फर्स्ट वाला क्या है First वाला ए प्लस फाइव डीवल ट्वेल्व तो बी विल 12 तो ए प्लस फाइव फाइव ट्वेंटी कैसे भी कर सकते हो ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व और ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस करोगे या पहले लिखोगे एज यू विश माइनस तो आना ही आंसर है तो इक्वल माइनस थर्टीन ओके तो अब हमें क्या बोलता है कि हमें टर्म्स निकालने हैं ओके okay? तो हम टर्म निकालेंगे तो अब कैसे निकालोगे द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स तो फर्स्ट तो हमारा माइनस थर्टीन आ गया फर्स्ट तो माइनस थर्टीन आ गया अब सेकेंड आएगा ए टू इक्वल ए प्लस डी तो ए हमारा क्या है माइनस थर्टीन और d क्या है फाइव तो क्या आया माइनस एट माइनस थर्टीन माइनस एट अब ए थ्री ए प्लस टू डी अब a क्या है माइनस थर्टीन प्लस टू और d फाइव तो माइनस थर्टीन एंड टू फाइव या टेन तो क्या आया माइनस थ्री तो हैंस गिवन ए पी इज माइनस थर्टीन माइनस एट माइनस थ्री थैंक यू चिल्ड्रेन वी विल स्टार्ट स्टार्टीन सम शुभाव स्टार्टेड वर्क इनटीन नाइन एट एन एनअल सैलरी ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड एंड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज टू हंड्रेड ईच हर साल उसको पांच दो सौ रुपया इंक्रीमेंट मिलती थी इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज सेवन थाउजेंड कब उसकी सेवन थाउजेंड पर पहुंचेगी ना शुभा राओ इनकम इन फर्स्ट ईयर रुपीज फाइव थाउजेंड हिज इनकम इन सेकेंड ईयर फाइव थाउजेंड टू हिज इनकम इन थर्ड ईयर फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सो ऑन दीज नंबर्स ऑफ हिज इनकम इन रुपीज़ फ्रॉम फॉर्म एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइव थाउजेंड फाइव ओके कौन से ईयर में उसकी इनकम सेवन होगी

सेवन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड इक्वल टू हंड्रेड को मैंने यहाँ लाया एन माइनस वन तो सेवन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड तो क्या हुआ टू थाउजेंड और टू हंड्रेड से मैं डिवाइड करूँगी ओके इक्वल एन माइनस वन तो क्या है टेन इक्वल एन माइनस वन एन को यहाँ पे लाएंगे तो क्या माइनस वन प्लस वन हो जाएगा तो एन इक्वल इलेवन ईयर्स दस सुबह राउस इनकम विल रीच रुपीज सेवन थाउजेंड इन इलेवन ईयर्स that is 2005 thank you now we will start the 20th sum last sum of your exercise 5.2 ramkali saved rupees 5 in the first week of a year ki then increase her weekly saving by rupees 1.75 और उसकी हर वीक वन पॉइंट सेवेंटी फाइव बढ़ती गई इफ इन द एंथ वीक हर वीकली सेविंग अकाउंट बिकम रुपीज़ ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव फाइंड एन मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है एन इज़ टू बी फाउंड रामकली सेविंग इन द फर्स्ट वीक फाइव हर सेविंग इन द सेकेंड वीक फाइव प्लस रुपीज़ वन पॉइंट सेवन फाइव ओके तो फाइव प्लस वन सिक्स पॉइंट सेवन फाइव हर सेविंग इन द थर्ड वीक सिक्स पॉइंट सेवन फाइव प्लस वन पॉइंट सेवन फाइव दैट इज़ रुपीज एट फिफ्टी पैसा एंड सो ऑन हमें अर्थमेटिक की सीक्वेंस बनाना है तो फर्स्ट वीकली सेविंग एंड रुपीज ऑफ रामकली फॉर्म द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइव रुपीज सिक्स पॉइंट सेवन फाइव एट पॉइंट फिफ्टी ओके नाउ ए इक्वल्स टू फाइव डी इक्वल्स टू वन पॉइंट सेवन फाइव एन ए एन क्या कहता है कब उसके ट्वेंटी रुपीज सेवेंटी फाइव पैसे होंगे तो लास्ट हम क्या दिया है ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव हमें क्या फाउंड करना है एन ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी अब ए एन क्या है ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव ए क्या है फाइव एन माइनस वन और डी क्या है वन पॉइंट सेवन फाइव अब मैंने दोनों को इस तरफ लाया और इस तरफ करूँगी अब ट्वेंटी रुपीज़ सेवेंटी फाइव में से मैं फाइव रुपीज़ निकालूंगी तो क्या आएगा फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव अब एन माइनस वन और फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव और वन पॉइंट सेवन फाइव करेंगे ना तो exactly नाइन से डिवाइड मल्टीप्लाई होता है वन पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाई नाइन करोगे तो फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव यू विल गेट ओके सो एन सॉरी एन माइनस वन इक्वल नाइन तो एन इक्वल्स टू नाइन और इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा प्लस तो एन इक्वल्स टू टेन दस इफ रामकली वीकली सेविंग रुपीज ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव इन द ए वीक दैन नंबर क्या होना चाहिए टेन क्या होना चाहिए टेन एंड प्लीज चिल्ड्रेन मेंटेन योर नोटबुक देयर आर मार्क्स ऑन योर नोटबुक एंड ई सम हर क्वेश्चन तीन बार करो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए तो एग्ज़ाम में आए तो कौन सा भी सम आए आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप फटाफट आप सम कर लोगे ओके थैंक यू